आपने चिकन पॉक्स सुना होगा, स्मॉल पॉक्स सुना होगा, पर क्या आप मंकी पॉक्स के बारे में सुना है? ये कोई नई बीमारी नहीं है, ये एक वायरल इन्फेक्शन है। फिलहाल इंडिया में मंकी पॉक्स का कोई भी केस रिपोर्ट नहीं हुआ, इसलिए डरने की कोई जरूरत नहीं है। हालांकि जागरूक होना बेहद जरूरी है, क्योंकि आजकल कोई भी बीमारी या इन्फेक्शन केवल एक देश या एरिया में सीमित नहीं रहता है। लोग एक देश से दूसरे देश में सफर करते हैं और उनके साथ सफर करते हैं इन्फेक्शन। ऐसा हम कोविड के केस में देख चुके हैं, इसलिए ऐसे मामलों में सही जानकारी होना और जागरूक रहना जरूरी है। तो सबसे पहले ये पता करते हैं कि मंकी पॉक्स होता क्या है। मंकी पॉक्स एक वायरल बुखार है और ये अफ्रीका में देखा गया है, इसलिए लोगों के मन में इस बीमारी को लेकर कई सवाल है। मंकी पॉक्स के लक्षण स्मॉल पॉक्स जैसे होते हैं, पर ये उतना खतरनाक नहीं है। 1950 में ये बीमारी अफ्रीका में रिसर्च के लिए इस्तेमाल किए जा रहे बंदरों में पाया गया था, इसलिए इसका नाम मंकी पॉक्स रखा गया। पेशेंट को बुखार आता है, बदन में दर्द होता है, सिर में दर्द होता है, मांसपेशियों में दर्द होता है। मंकी पॉक्स के लक्षण आने के 3 से 4 दिन बाद शरीर पर रैशेस पड़ जाते हैं, उसके बाद ये फुफूंद की तरह बन जाते हैं, देखने में बड़ा भयंकर लगता है। ये पूरे शरीर में फफोल बन जाते हैं और ये फफोल 8 से 10 तक अलग अलग स्टेज से होते हुए झड़ जाते हैं और 4 हफ्ते लगते हैं पेशेंट को ठीक होने में। लेकिन इससे डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इससे होने वाला संक्रमण बहुत ही सरल होता है। अगर कोई इंसान ऐसे जानवर के साथ संपर्क रखते हैं जिसे मंकी पॉक्स है, तो उसे ये बीमारी हो सकता है। अगर कोई ऐसा जानवर काट ले जिसे मंकी पॉक्स है, तो भी ये बीमारी हो सकता है। अगर मंकी पॉक्स से ग्रसित कोई पेशेंट किसी और इंसान के संपर्क में आता है जिससे आपस में स्किन कनेक्ट होता है, तो उसके कारण भी संक्रमण हो सकता है, मतलब इसका संक्रमण लिमिटेड है। ये कोविड जैसा बीमारियों के मुकाबले कम फैलता है और इसके संक्रमण का तरीका भी अलग होता है। मंकी पॉक्स का इलाज बहुत सिंपल है। इसका इलाज बाकी वायरल बीमारियों की तरह किया जाता है। पैरासीटामोल की गोलियां दिया जाता है ताकि बुखार ना आए, और ध्यान रखा जाता है कि शरीर में पानी की पर्याप्त मात्रा रहे और रेस्ट मिले। इस बीमारी को ठीक होने में 3 से 4 हफ्ते लगते हैं। इस बीमारी की वजह से लोगों की मौत कम होता है। मंकी पॉक्स से बचने के लिए वैक्सीन पाया जाता है, जिसको लगाने से इस बीमारी से बचा जा सकता है। हिंदुस्तान में रहने वाले लोगों को घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये बीमारी अफ्रीका के देशों में फैला हुआ है। ये बीमारी वहाँ से आने वाले लोगों के संपर्क में आने से हो सकता है, हालांकि इसके लिए एयरपोर्ट पर जांच किया जाता है। इस बीमारी के लक्षण 3 से 4 दिन के अंदर दिख जाते हैं, इसलिए पेशेंट को आराम से पहचाना जा सकता है और आइसोलेट किया जा सकता है, और इसी तरह से इसको फैलने से रोका जा सकता है। एक बात तो साफ है, अगर आप उन देशों में सफर कर रहे हैं जहां मंकी पॉक्स फैला है, तो सावधान रहे और अपने डॉक्टर से पूछकर आप वैक्सीन लगवा सकते हैं। वीडियो को कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना, और इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर देना आगे ऐसे ही वीडियोस लगातार देखने के लिए। तो मिलता हूँ बहुत ही जल्द अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।